नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बीते रविवार को दुर्गा माता की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बहराइच में आतंक मचा। बहराइच में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। जब माता के विसर्जन को लेकर यात्रा निकाली जा रही थी तो उसी वक्त दूसरे समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद एक युवक की हत्या भी कर दी गई। रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने यह दावा किया है कि आरोपियों को एनकाउंटर में काफी ज्यादा घायल कर दिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इसी बीच मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और ये वीडियो होश उड़ाने वाला है। इस वीडियो में मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने पुलिस पर ही आरोप लगाया है। उसने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने घूस लेकर पूरे मामले में एनकाउंटर की बात कही है, बल्कि जो आरोपी है वो बिल्कुल सुरक्षित है। पहले तो ये वीडियो आप देखिए जो सोशल मीडिया पर जमकर इस वक्त वायरल हो रहा है। नमस्ते गाइस, मैं हूँ लोली मिश्रा, रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। दरअसल बहराइच के रेउआ मंसूर गांव में रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। रामगोपाल की हत्या दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई थी, जिसमें दंगाइयों ने उन्हें गोली मारी। इस मामले में उनके भाई ने कुछ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने बाद में आरोपियों को एनकाउंटर में गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन रोली ने इसे दिखावे का कदम बताया है। रोली ने यह भी कहा कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए उन्हें संरक्षण दिया है और इन आरोपियों के नेपाल से संबंध होने की वजह से स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई है। इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए रोली ने अपनी चिंता जाहिर की, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में न्याय मिलेगा या नहीं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस मुद्दे में ये नया दावा काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। मृतक की पत्नी ने जिस तरीके से प्रशासन को ही घेरे में ले लिया है, उसमें कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे वो प्रशासन पर इतना बड़ा आरोप लगा सकती हैं, और अगर लगाया है तो उनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।